80 और 90 के दशक में जहानाबाद का नाम सुनते ही जहन में खौफ उतर आता था। चुनाव के दरमियान गोलियों की तड़तड़ाहट आम बात हुआ करती थी। जहानाबाद में चुनाव आयोग के सामने भी चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और बदलाव आए। जहानाबाद में भी अब लोकतंत्र का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सीरीज में आज बात करेंगे जहानाबाद की, क्योंकि यहाँ पर अभी भी राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ के हालात अब तक बेशक ना बदले हों, लेकिन यहाँ का मिजाज हर साल बदलता दिखाई देता है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जदयू जब महागठबंधन के साथ था तो उस वक्त राजग के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग है तो देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद का मूड किस ओर जाता है। जहानाबाद के 3 तथा अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा। पिछले चुनाव में जदयू महागठबंधन के बैनर तले मैदान में था। जातीय समीकरण इस तरह सटीक बैठा कि राजग के खाते में एक भी सीट नहीं गई। वर्तमान समय में जहानाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पर राजद और 1 पर जदयू का कब्जा है। अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में से 1-1 जदयू और राजद के पास है। इस बार 2010 के चुनाव की तरह जदयू राजग का हिस्सा है। समीकरण बदलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल घोसी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सबसे दिलचस्प है। यहां से विधायक कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2015 के चुनाव में राजद के दिग्गज नेता मुद्रिका सिंह यादव चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद पुत्र कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव विधायक बने। जहानाबाद और अरवल में कभी वामपंथी का बोलबाला था। वर्तमान समय में अरवल को छोड़कर दोनों जिलों में कहीं भी वाम दल अग्रिम पंक्ति में नजर नहीं आ रहा है। यदि राजद के साथ वाम दलों का गठबंधन होता है तो अरवल विधानसभा पर भाकपा माले अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। दोनों ही जिले के मतदाता गठबंधन से परहेज नहीं करते, यह जरूर है कि उनका ऐसे उम्मीदवार पर जोर रहता है जो लोकप्रिय हो और उनकी समस्या को मुद्दा बनाकर सरकार के कानों तक पहुंचा सके। अब आइए एक नजर डालते हैं 2015 के उस रिजल्ट पर, उस वक्त का जहानाबाद क्या कहता था और आज वहां पर क्या कुछ हालात हैं। 2015 में जहानाबाद से मुद्रिका सिंह यादव राजद से जीते थे। घोसी में कृष्णनंदन वर्मा जदयू से जीते थे। मखदुमपुर में सूबेदार दास राजद से जीते थे। अरवल में रविंद्र सिंह ने राजद से जीत हासिल की थी। कुर्था में भी सत्यदेव सिंह जदयू से जीते थे। तो आइए अब बात करते हैं जहानाबाद में स्थानीय मुद्दों की। वो इसलिए क्योंकि 2015 में भी ये समस्या बरकरार थी और उस वक्त जब चुनाव हुए थे तो कई सारे वादे विधायकों की तरफ से किए गए थे, लेकिन अब तक वो समस्या जस की तस बनी हुई है। जहानाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की समस्या कई दिनों से है। रोजगार के लिए लोग पलायन तो करते ही है, साथ ही साथ इस बार विधानसभा के चुनाव में कोरोना का मुद्दा भी खूब गरजेगा। कृषि प्रधान इस इलाके में हमेशा सिंचाई की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य भी अहम मुद्दा बन गया है। अस्पतालों की बदहाली, लॉकडाउन में लौटे मजदूरों के लिए रोजी रोजगार का इंतजाम ना किया जाना भी प्रत्याशियों की परेशानी पर बल डालेगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल वानावर का विकास, कई इलाकों से प्रखंड बनाने की मांग के साथ ही नेनुआ नाला साइफन के जीर्णोद्धार के लिए आम आवाम से आवाज उठेगी। चुनाव के समय मैदान में आए प्रत्याशी इन मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं। जहानाबाद शहर को लेकर भी समस्याएं हैं, जल जमाव इसमें प्रमुख है। रेलवे अंडरपास की बदहाली भी चुनावी मुद्दा बनेगी। अरवल में रेलवे लाइन बिछाने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। खेती किसानी वाले इस इलाके में अनाज को खरीदने के लिए उचित एजेंसी का ना होना भी चुनावी मुद्दा बनता है। उद्योग कारोबार को गति के लिए किसी भी दल का ध्यान ना देना वोटरों को सालता है।